आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गंडवाल। कश्मीर की बर्फीली वादियों के बीच घुसपैठ करते आतंकवादियों की नई तस्वीर से सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। उत्तरी कश्मीर के किसी गुमनाम ठिकाने पर शूट किया गया वीडियो आतंकवादियों ने खुद ही सोशल मीडिया पर जारी किया है। इस वीडियो में हथियार लहराते आतंकवादी अपने खूनी खेल से पहले आपस में बर्फ से खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऊंची ऊंची पहाड़ियां और दूर दूर तक बिखरी सफेद बर्फ की चादर, और इन्हीं हालात के बीच एक एक कर आगे बढ़ते ये हथियारबंद आतंकी। घुसपैठ की ये चौंकाने वाली तस्वीरें हैं लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के उन सिरफिरों की जिन्होंने ये वीडियो खुद ही सोशल मीडिया पर जारी किया है। बर्फीली वादियों के बीच ये आतंकवादी एक बार की सैलानियों की मानिंद नजर आते हैं, लेकिन ये वो मौत के सौदागर हैं जिनके इरादे बेहद नापाक हैं। आतंकियों के पास मौजूद ये हथियार और उनकी हरकतें ये बताती हैं कि उनके दिमाग में किस कदर जहर भरा है। लेकिन इस वीडियो में मरने मारने से पहले ये आतंकवादी एक दूसरे के साथ हंसते खेलते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो की फिलहाल आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन खुफिया एजेंसियों ने यह खुलासा जरूर किया है कि अब लश्कर और हिजबुल के आतंकवादी एक साथ मिलकर घाटी में आतंकवादी हरकतों को अंजाम देने में लगे हैं। ऐसे में अगर यह वीडियो सही है तो यकीनन देश की तमाम खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह नए सिरे से एक खतरे की घंटी है, ताकि इन आतंकवादियों को वक्त रहते ढूंढ निकाला जाए और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। उधर करीब 2 मिनट और 40 सेकंड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही तमाम खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। शक है कि ये वीडियो उत्तरी कश्मीर के किसी पहाड़ी इलाके में शूट किया गया है, जिसमें 5 आतंकवादी हाथों में हथियार और झोला लिए बर्फीली पहाड़ियों पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के शुरू में ही इस पर 7 जनवरी 2017 की तारीख भी एडिट कर लिखी गई है। ये आतंकवादी कभी रुककर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, कभी एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, तो कभी सुस्ताते, कभी बर्फ खाते और कभी एक दूसरे पर बर्फ उछालते हुए भी नजर आ रहे हैं। कुछ तस्वीरों में इन आतंकवादियों के चेहरे भी बिल्कुल साफ साफ कैद हुए हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो आतंकवादियों ने एक भड़काऊ गाने के साथ जारी किया है। सूत्रों की माने तो सोशल मीडिया पर यह वीडियो जारी भी 7 जनवरी को ही किया गया। फिलहाल पुलिस इस वीडियो को जारी करने की जगह और जारी करने वाले शख्स के साथ साथ इन आतंकवादियों की भी तलाश में लगी है, क्योंकि अगर ये वीडियो सही है तो नए साल पर एक बार फिर से बेहद सजग और चौकन्ना रहने की जरूरत है। तारीख गवाह है कि पाकिस्तान की ओर से लगातार घुसपैठ और हमलों का सिलसिला जारी है, और ऐसे में अगर ये आतंकवादी कहीं हमारे इलाके में छुपे बैठे हैं तो उन्हें कोई भी नापाक हरकत को करने से रोकना एक बड़ी चुनौती है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। और हमारे संवाददाता अशरफ वानी इस वक्त और डिटेल्स के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, 2 आतंकी संगठनों के आतंकियों का ये वीडियो बेहद चौंकाने वाला, लेकिन इसकी ऑथेंटिसिटी को लेकर अभी किस तरह की जानकारी सामने आ रही है? कहां का ये वीडियो है, किस तरह से इसे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है? मीनाक्षी, दरअसल अगर देखें तो जिस अंदाज से हमने खबर में भी कहा कि अभी तक फिलहाल पुलिस इस जाँच में लगी है कि ये वीडियो शूट कहाँ पर हुआ है, किस जगह पर ये फिल्माया गया है और इसमें कौन से लोग हैं और किसने ये सोशल नेटवर्क पे कश्मीर में डाला है। लेकिन फिलहाल एक बात तो साफ हो गई है कि इसमें जो आतंकी है ये 2 संगठनों लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के हैं। इनमें 3 आतंकी जो हैं वो स्थानीय हैं और उनके चेहरे को देखकर पहचान भी हो चुकी है पुलिस द्वारा। और जाहिर है कि अब ये पहली बात नहीं है कश्मीर में जब इस तरह के वीडियो जो है सोशल नेटवर्क मीडिया पे आतंकियों की तरफ से डाले गए हैं, उनकी कड़ी में एक ये भी है। लेकिन यहाँ पर चौंकाने वाली बात यह है कि एक तो तारीख मात्र 3 दिन पहले, जिस दिन कश्मीर में बर्फबारी हो रही थी उस दिन ये शूट भी हुआ है और उसी दिन ये सोशल नेटवर्क पे डाला भी गया है। और साथ ही साथ जो
सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे चुनौती वाली बात यह है कि लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जो बड़े और प्रमुख दो आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं, वो साथ मिलकर अब आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए एक हुए हैं। इससे पहले एक वीडियो आया था जिसमें बैठक कर रहे थे लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी, और कहीं ना कहीं वो इस बात का इशारा तभी मिला था जब बुरहान वानी का वो बातचीत का प्रकरण सामने आया था जिसमें उसने सीधे तौर पर लश्कर के प्रमुख हाफिज सईद से बातचीत की थी और उससे पेशकश की थी कि जो स्थानीय आतंकी है वो लश्कर तैयबा के आतंकियों को साथ देंगे, उनकी मदद करेंगे और उनसे मदद लेंगे। तो तब से ही सुरक्षा एजेंसियां जम्मू कश्मीर में इस बात को बिल्कुल, अब आगे जांच होगी तो इसमें और तस्वीर साफ हो पाएगी। फिलहाल अशरफ आपका शुक्रिया हमें डिटेल्स देने के लिए।